आजिकी ठीक मासक तले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चुक्ति भित्तिक जो निजुक्ति प्रथा थिला ताकु प्रत्याहार करथिले एवं एभले एक ऐतिहासिक निष्पत्ति घोषणा करी सारा राज्य रे विशेष कर जो चुक्ति भित्तिक कर्मचारी मान रहिथिले तांको महल रे गोटे खुशी आनिथिले। तेबे आज ठीक मासे परे वर्तमान देखा मिलूँ विभिन्न शिक्षक संघ कथा कहतु आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ कथा कहतु आयुष कर्मचारी कथा कहतु अनेक संघ रही राजरास्ता को ओह्लाउंट सीधा सड़ख से दाबी रोच जो भाई न्याय जो ढंग से जो निष्पत्ति निगला जो भाई भाव में चुक्तिभित कर्मचारी मानक नियमित करागला से ही ढांचे आम मानियमित कराऊँचे आम मान हक आम मानकर अधिकार दि जाऊ तमाम प्रसंगर आलोचना करने। नमस्कार, मुझे ज्ञानदर्शी स्वागत करुच्ची मंथन कार्यक्रम को। कार्यक्रम में आम सहित अच्छा ओडिशा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघर सभापति अच्छा संजय पटनायक अच्छा एनपीएस जो शिक्षक संघ रही सभापति प्रदीप्त बाबू आम सहित जोड़ी होती। प्रथम आरंभ करी कहीं जेहेतु आउटसोर्सिंग कर्मचारी आप जानते प्राय मसाध्य काल धरी जिला स्तर आरंभ कर राज्य स्तर से प्रतिवाद कर कला ब्याज पिंधि से प्रतिवाद कर 19 तारीख पर्यंत से कला ब्याज पिंधि मानने कार्य सामिल होती। संजय बाबू, ये जो आंदोलन आपणकर प्रथम चुक्तिभित कर्मचारी रेगुलर है आपड़ बर्तमान पूरा फायर फुटिंग मोड्रे अच्छा सीधा सड़क सरकार को चैलेंज करतेवता रही आपमित कर देखु जो चुक्तिभित कर्मचारी माने स्थायी हेले कि चुक्तिभित्तिक प्रथा उठिला सेति पय आमे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दउछु आमे सेति रे बाद करूनाउ किंतु जो 2013 मसिया रे कॉन्ट्रैक्चुअल रूल सृष्टि हेतिला सेथरे 4 सब क्लॉज रे जो माने एग्जाम देकी आसीछंती से माने होछंती कैटेगरी 1 नंबर कॉन्ट्रैक्चुअल दोज हु आर कमिंग थ्रो थर्ड पार्टी और आउटसोर्सिंग दे आर कैटेगरी 2 नंबर कॉन्ट्रैक्चुअल। जेतेबेले मुख्यमंत्री 15 तारीख रे घोषणा कले जे चुक्तिभित्तिक प्रथा उठिला ताले आउटसोर्सिंग माने भी चुक्तिभित्तिक थिले से माने कैटेगोरिकली जदि मुख्यमंत्री कही थांते जे कैटेगरी 1 जदि उठिला ताले आमे किछ असुविधा नथिला जेतु कहले कॉन्ट्रैक्चुअल प्रथा उठिगला ता देरे कैटेगरी 2 भी उठिबा कथा सेइतरे आमे उठिबा कथा जेतरे आउटसोर्सिंग कथा किछ मेंशन हे नाही सेइतिपई आमो मनरे टिके दुख रहिला सेइतिपई आमे भाबुछु बदे माननीय मुख्यमंत्री आमो कथा भुलिगले ना तांकु जो आमर ऑफिसर माने मन पकई नांदी सेति पई आमे आमर वर्तमान सब जिले रे बुलिकरी सब पिलांकु संगठित करिकि आमे वर्तमान 14 तारिख रु 19 तारिख कला ब्याज परिधान करिचु 20 तारिख जाय समय दैचु ता पूर्वर मध्ये आमे मुख्यमंत्री को मुख्य शासन सचिव को ना किंतु संजय गोटे कथा आसुचे जो मानक पई नियमित करागला से माने गोटे सरकारी निजुक्ति व्यवस्था माध्यम रे आइछंती से स्टाफ सिलेक्शन कथा कहतु ओपीएससी कथा कहतु जो किंवा ओडिशा सबऑर्डिनेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो रही थ्रो जा तो से दृष्टिकोण हे तो से गुरुत्व दि जाए कि आपण मानी जेहेतु गोटे कौन सी विधि व्यवस्था आप आसी ना जो एजेन्सी जो कंट्राक्टर अंडर आप अधीन आसी हे तो गोटे प्रतबंधक साजुच आपणी ना ना देखु सरकार तर विधि व्यवस्था किसी ना मुँ जड़े एम्प्लॉई मु सेक्रेटेरिएट रे चाकरी करे 2003 रु चाकरी कलि 2003 रे जेतेले सरकार तांकर विधि व्यवस्था किछि नथिला सीए सरकार देबळिया थिले पैसा नथिला 2000 मसिया रे जेतेले माननीय मुख्यमंत्री आसिले ओडिशा को शासन करिया पई आर्थिक अवस्था स्वच्छल नथिला निजे मध्ये मुख्यमंत्री स्वीकार करछन् मुख्यमंत्री निजे स्वीकार करछन्ति तेणु करी सेतेबेले से हमकु किछि तांकर किछि व्यवस्था करिके आनलेनि एग्जाम करिके आनलेनि तर एमती भी आम बिना एग्जाम आसीनाऊ जो थर्ड पार्टी आमको दे पाखे हजार हजार पिला अच्छा देहर 15 जन 10 जन पिला पठाई से एग्जाम कर आसला आम डिपार्टमेंट रे आमर जो 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 डिपार्टमेंट रे जो पिला पोस्टिंग से कंप्यूटर टेस्ट करमती किसी बिना परीक्षार आम ना या आम स्टाफ सिलेक्शन देन स्टाफ सिलेक्शन व्यवस्था सरकार कर नथले सरकार असुविधा सी देखिले जदि अल्प पैसा सरकार काम तुटाई पार्टी ये कृतदास प्रथा चली कृतदास प्रथा जमीती कृतदास प्रथा इंग्रेज शासन भाई चली अल्प पैसा दे कम आदाय कर जो दिन रात एक कर आम कम करते गुड़ी मागणा योजना है माँ पेटर आरंभ कर ममता योजना देखु मरवा पर्यंत आप योजना देखता सब जिते गुड़िए सब अपडेट हो कंप्यूटर
ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ପାଖାପାଖି 16,000 ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରେ 2013 ପରଠୁ ଯେଉଁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି କଥା ହଟିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଠିକା ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଛାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଆଉ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନା 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହ ନ୍ୟାସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ କାହିଁକି ନା 2013 ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ 2004 ମସିହାରୁ ହିଁ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 2004 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ 2004 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 16,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ କେବଳ ଯେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାହା ନୁହଁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ 34-37 ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ 4-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 50-60,000 କ୍ରସ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏ ନିୟମଟି କେବଳ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2013 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ନିୟମ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେଉଁ 2004 ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା ସମୟରେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆମ ପେଟରୁ କାଟି ଆମ ପିଲାଛୁଆକୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଆମେ 1500-2000 2500 ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ 6 କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଆମର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଛି ଆମେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ଏ ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 2004 ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ କରାଯାଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ସରକାର ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି 5Tରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ତାପରେ 5Tର ଟିମ୍ ୱାର୍କ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆସିବ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆସିବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଜୁନିୟର ଟିଚର ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ କଥା ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବପର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ସରକାର ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯଦି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଯୋଜନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ମାଗଣା ଯୋଜନା କରିକି ମାଗଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିପାରୁଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପକୁ 1000-1000 ସେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କାମରେ ବା ସରକାରୀ କଳ ଚଳାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର କାହିଁକି ବୁଝିବେନି ବୁଝିବା ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା ଏ କଥାଟା ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ 2013-2022 ବ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନିୟମଟି ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ନା 2011 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଟି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ 41,100 ଦରମା ପାଇବ ସେଇଠି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 2014 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଟି 44,900 ପାଇବ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ 2013 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଟି 38,700 ପାଇଲା ବେଳେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ 15-16 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଟିକି ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଟିକି 42,300 ପାଇବ ଏହା କେମିତି ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ସେଠି କେମିତି ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସିବ ସେଠି କେମିତି ମିଶିକି ଆମେ କାମ କରିବୁ ସରକାର ତ ମୂଳରୁ ବିଭେଦ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗ ଭାଗ କରିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିବେନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଢାଞ୍ଚା ରହିଆସିଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଅଧା ଅନୁଦାନ 50% ଅନୁଦାନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଆସିଛି
से प्रथा को सरकार मध्ये कोटा कोट हटेबा चेष्टा करना जहाँ मन हुए कहीं ये जो विभिन्न वर्ग सृष्टि करवा गोटे जो शिक्षा व्यवस्था जो ढांचा रही निश्चित भाव कौट ना कौटी गोटे शिक्षक मान मध्य गोटे छोट नीच नीच उच्च मनोभाव आसो से ही क्लास रूम गोटे टीचर जन जो जमी आप कहते उच्च दरमा रणे नीचे तो आउट कम दरमा रंच प्रकार दरमा कहीं व्यवस्था रोच नहीं देखो आमर शिक्षक मान भितर मतभेद किसी ना सरकार शिक्षक मानक मन भितर ही माने कौन विभेदर मंजी बुणी दौंट तो माने गोटे काटागोरी शिक्षक थे माने अधा शिक्षक को उपकृत करम अधा शिक्षक उपेक्षित हे मान जर्जरित हे निष्पेषित हे अवहेलित हे तेणु शिक्षक मैंने भाग भाग हो सरकार जाशु किमी सरकार स्वर उत्तोलन न कर सरकार जाशुणी की विभेद सृष्टि कर देखो ये जो नियमटी बर्तमान आसी सरकार जो मान भी कर आम विभाग में भी आहरी 16,000 शिक्षक शिक्षयित्री 13-22 भितर निजुक्ति पाई सरकार से अर्डर करडर टी लगू किंतु अर्डर भी वर्तमान सुधा कार्यकारी करना कार्यकारी कराऊन हुए तो सरकार आंतरिकता ना हुए तो सरकार बजेट ना हुए तो सरकार तरबर भाव में यही नीति टाइम घोषणा कर देते तेणु से आज राजस्ता को आसते से बारंबार आंदोलन करुँच डीपीआई आसना दौरान जिला लेवल भी आंदोलन खुलने जो मैं नियम होना से कार्यकारी होना डायरेक्टर अफिस से मेमो करा जो मैंने नहांती नि सरकार गोटे विभेद पूरा करदे गोटे गोटे स्कूल मानने दल शिक्षक गोटेपटे बस आउ दल शिक्षक गोटेपटे बस आज के जी सीनियर टीचर टी सी जूनियर हम सी सीटी स्कूल हेडमास्टर पदवी पाइबा पूर्व जी आज जूनियर पाई सी हेडमास्टर आग हम जी सीनियर सी हेडमास्टर हो पार्वनि ये गोटे विभेदर मंजी सरकार आम शिक्षक भितर बुणी देते से जूनियर टीचर टी आज एमएससी पाइब सी आग बीओ हम सी अधिका दरमा पाइब यह कौन ये गोटे अनकनस्टिट्यूशनाल आमको भी मानसिक स्तर में भी आमको गोटे अशांति लगुच कार्य करने स्कूल लेवल गाँ हाथ कौन कर विभाग मध्ये समन्वय रही पार नहीं बोध हुए तो ये एक जो अनियमितता जो भाव अविचार कर ज्वलत गोटे पदार पड़ा जल जल ही देखा जा संजय बाबू देखा आपण जो डिमांड कथा कहते आपण जो जिला स्तर में पूरा ढांचारे जो भाव व्यवस्थित ढंग से प्रतिवाद कर भावुंत जी आउटसोर्सी कर्मचारी रही राज्य रही पखापाखि आपत कहते से संख्या को देखिले सरकार से मानने अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भावुंत अच्छी जे प्रोवाइड करें आपको नियमित करें सरकार जिते बड़े शासन को आसिले से राज्यर बजेट 10,000 कोटी थी बर्तमान 2022 मसीह राज्यर बजेट 2,00,000 कोटी टपिया बसला जो पैसा खर्च होती खर्च हो जदि 20,000 कोटी टंका आमर मागणा टंकिया चाउल योजन खर्च हो पारे से जो टंकिया चाउल योजना आपंट से योजना को जो मैंने रूपायन करुँच हॉस्पिटल कथा देखूँ कोरोना समय रे कौन सी लोक घर बाहर नतले आमर जे अटेंडेंट भाई मैंने जीवन को बाजी लगे लोकंर करोना जीवन बचे करोना सेवा करुले करोना पेसेंट को सेवा करुले से 8,000 दरमा पाँच तादेह 30 दिन कम करेंगे 26 दिन दरमा पाइबे 4 दिन कटा जाऊँगी डेली वेजेस बेसि अच्छा एवं जो डिफरेंट स्कीम्स है सरकार स्कीम्स किए कर सरकार कर सरकार कहीं लोक मानी कर तो से ही कम को जो मैंने करूँ पैसा देवार कौटी असुविधा रही है बजेट से अनुसार आम आगे आम आगू ओह शुणु आज्ञा आपम चाहे 2018 मसीह जून 25, 26, 27 तीन दिन धरी आम आंदोलन करूँ 27 तारीख में घरे जितेबले रास्ता को काउ कोईली बाहर नथले सकाळु संजो जाए वर्षा होतला से वर्षा रे भिजी भिजी मध्य आमे पूरा पीएमजी रु मास्टर कैंटीन पूरा फुल करथिलु सबु मीडिया भाई माने लाइव देखैथिले सेतेबेले आमको तत्कालीन मुख्य शासन सचिव आज पर्यंत ओडिसा इतिहास रे हेनी काहा को लेखिकी दे नथिले आमको लेखिकी देथिले पैड रे जे मासे भितरे आपनको दाबी पूरण करिवु से मासे छाड़ी 5 वर्ष होलान ठीक अछि ता भितर कोरोना पड़ला आमे भी आम सहानु आमर भी अच्छी मानविकता अच्छे जदि सरकार कि मानविकता भूली जाइंट 18 मसीह 22 आसी 4 वर्ष ऊपर है आज पर्यटन आम डाक आलोचना करूना गत वर्ष नवेम्बर 21 जितेबाला कंट्राक्चुआल आउ आउटसोर्सी मिसिक चली गोटे 2013 रिजल्यूसन में जहाँ बढ़ूला आमर से बढ़ूला एक्सट्रा केवल थी 10% इनक्रिमेंट पर आनम जोटाक आमर नाला कितु हठात ये 2021 मसीह नवेम्बर मसने जिते बड़े मान्यवर मुख्यमंत्री 50% बढ़े सालरी
एवं 5% इनक्रीमेंट पर आनम कले आमको से ही समय 25% बढ़ेले ये कि अन्याय आउ गोटे कथा देखु तर आज ना कल 6 वर्ष पर परमानेंट हे चुक्तिभित्तिक प्रथा उठेदे कि नुआ कथा कले कि अवहेलित आम मैंने आम मान जो आज मुख्यमंत्री 1 नंबर प्राइज पाँच किंतु आम मान को जदि भूली जाउचंदी गणतंत्र राष्ट्र रे समस्तंकर समान अधिकार रही कहिबा पई आमे कहि पारुनु आपन कहि पारुना दिनु आमे 18 मसियार कहि चालीचु सरकार एतिपति खातिर करुना एहा जदि न करंती आसंदा दिन रे विराट जन आंदोलन परिणत हो आमे 26 तारिख रे माननीय मुख्यमंत्री को जणैबा पई महात्मा गांधी मार्ग रे शांतिपूर्ण भाबे आंदोलन करिवु काले मुख्यमंत्री आम कथा भूली जाइतिबे मुख्यमंत्री भूलिबा लोक नुहंती से ओडिसार मौडामणि दरदी एवं 4.5 कोटी लोकंकर दरदी बंधु सी हुए तो भूली जाइए आम मन पकड़ 26 तारीख आप लोकसभा भवन में भेटी पारे गोटे मेमोरांडम मुख्यमंत्री आम मेमोरांडम देलु 1 तारीख पर्यंत समय देलु जेहेतु आसीगला धामनगर इलेक्शन आम भाविलु बोधे व्यस्त अच्छा से आहरी 7 दिन टाइम देलु तापर पुणी मेमोरांडम देखा 20 तारीख पर्यंत समय देचु तादर आम मेनसन कर 14 रु 19 आम कला ब्याज परिधान करूँ आम परिधान करुचु जिला स्तर से करुचु राज्य स्तर से करुचु सदर महकुमें मुझे कला ब्याज पिंधिक बस आपन देखु तेणुक 20 तारीख पर जदि आमको डाक आलोचना नक 20 तारीख भितर तो आम 26 तारीख में आंदोलन को ओल्लू रास्त ना आम देखिपु आप कला ब्याज पिंधि कि बड़ कथा हूँ जो आपर जो केत पाखापाखी कर्मचारी रही आउटसोर्सिंग में दाबी देखा निश्चित भाव जदि आप कहते जेन्युइन डिमांड रही कि बड़ कथा हूँ ये जो एवं निकट में मसक होनी आपने आंदोलन को ओल्लानी से टीचर मैंने आंदोलन को ओल्लाउं आयुष डाक्तर संघ ओल्लाउं कंप्यूटर टीचर संघ ओल्लाउं से भाई अन्य गुड़ अनेक संगठन रास्ता को ओल्लैं समस्त ये जो डिमांड को फुलफिल कर पारे कौन सरकार शुणु कहीं आंदोलन को ओल्लवाक भल पाए कहीं स्ट्राइक करने को भल पाए आप गोटे छोटिया एग्जाम्पल दौर शुणु आपण घरे जी कम करसन धोची बा घर ओलाउं सी जदि 1000 टाँचा पाँच प्रत वर्ष 10 घर खंडे ड्रेस ताको आपण दौछन 500 टाका खर्च पई दौछन सेमिति सरकार जदि प्रति कर्मचारी को प्रति 10 घर 5% कि 10% इनक्रीमेंट कर दिखते दरमा बढ़ी बढ़ी जा 25,000 पहुँचता 2003 मसीह आम जो चाकरी कलु 4,000 टाका दरमा 2009 5,200 है 2014 7,100 है 2016 8,880 है ये 25% बढ़ी 11,100 है पीएफ ईएसआई कटिगला 8,900-6,000 टाका हो 10,000 कम जड़े दिन मजूरी ठार् कम अच्छा आम स्किल लेबर रे जाऊँ ना हाई स्किल लेबर अनुसार जाऊँ कौ लेबर अनुसार जाऊँ आपतु गोटे जनमंगलकारी राष्ट्र रे गोटे ग्रेजुएशन पाठ पढ़ी पीजीडीसीए कंप्यूटर कर 10,000 कम दरमा पाइब 3 मसीह 22 मसीह 3 गुणा दरमा बढ़ी अथच जितने आम माननीय मुख्यमंत्री आइले जड़े एमएलए दरमा से ता 5 गुणा बढ़ीगला एबे आलोचना कले आम दरमा बढ़ावाई सांगे सांगे कमिटी गठन होगा आमपाई कमिटी गठन करिया को समय होना कहीं पैसार अभाव नुहे पैसार अभाव ना ओडिशा केवल मनोबल अभाव आंतरिकतार अभाव मानसिकतार अभाव 2003 कर 20 वर्ष हम जानुरी को 20 वर्ष हम 4,000 प्रथम जॉइन करी वर्तमान 11,100 आप चिंता करूँ 3 गुणा भी बढ़ी ना आप मार्केट प्राइस देखु जदि आईएएस अफिसर दर बैगण किलो 60 जन आउटसोर्सिंग कर्मचारी 40 कि ना माननीय विधायक ना सांसद 40 भी 60 आमपाई भी 60 60 तांकर तो दरमा अच्छी तांग थे जदि एमएलए होगले कि सांसद होगले जीवन सारा पेंशन पाइले सब मागणा भत्ता पाइले आमर तो किसी ना एवं भी आम चाकरी पेंशन ना तो कौ दृष्टि आम मैंने लाभवान सरकार लाभ करने सरकार को बाह बाह नापी 1 नंबर करने रही पारे ना छाड़ पारे बस जड़े बलद को खटे खटे जितने बलद बुढ़ा होगा आपको जदि 5 जन मारी कह घर को पला इतर आमर कि कहार ना जनम जो मैंने आउ गोटे कथा देखते जो मैंने रिटायर्ड होती रिटायर्ड पर पुनः निजुक्ति दि जाऊँगी मसे तेज़े से दरमा बढ़ी कि हास्यास्पद कथा कहले गोटे दरमा से रिटायर्ड है पेनसन पाँच ता बाद दरमा पाँच एवं पुणी रिटायर्ड पर दरमा पाँच ता बाद बढ़ी दरमा किंतु जो मैंने काम करूँ दिन राति रविवार ना शनिवार ना आम एमती जब सेक्शन अच्छू जो सेक्शन में दिन ना राति ना जितने डाकिले आसबू कितु आमपाई दरमा ना कम कर जाओ
दरमा ना कि सुविधा सुजोग ना कमी सरकारी व्यवस्था मानते व्यवस्था को प्रति गोटे निश्चित भाव लोक कौटना कौटे गोटे अंगुल निर्देश हो सरकारी उपरूर देखा जाती भितर कि गोटे अलग रूप रोच कर्मचारी माने जो कर्मचारी माने रही सरकारी कर्मचारी माने रही शिक्षक संघ कथ कहतु कि आपर जो मैंने ग्रास रुट लेवल कम करूँ ये केमी व्यवस्था चली के प्रकार आउटसोर्सिंग रखिंट देखते मैंने गोटे टैक्स फुली मैंने जो मैंने फाइनान्स कनकरेन्स अच्छा से गोटे आउटसोर्सिंग सरकार के हिसाब से 33,000 सरकार कौटू हिसाब आने आम जानना गुड़े अच्छा डेली वेजेस बेसीस 30 दिन कम करेंगे 26 दिन दरमा पाइबे आउ गोटे अच्छा स्कीम मध्यम अरे स्कीम तो सरकार कर तो पिला स्कीम्रे कम कले स्कीम्रे कहीं कम कर डेली वेजेस कम कर प्रकार कौन आप गोटे कथा देखूँ जो मैंने कम करूँ मन को आज रिन्यूआल कर प्रति वर्ष रिन्यूआल होता है कौन गोटे कले कार तीन मस रिन्यूआल कार छ मस रिन्यूआल कौटी आउटसोर्सिंग एजेन्सी कौ पिला धमकैला जदि आउ थे नुआ टेंडर होदी एवं एक्स सिक्यूरीटी पाई कल जदि वाई सिक्यूरीटी पाला पुणी से पिला को कहूँ पुणी 50,000 दे 40,000 दे जेहेतु पिला आर्थिक अभाव चलने अभाव बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी औषध टी देवाई अभाव आपन चिंता करूँ जन जदि 9,000 टाँग दरमा पाई भुवनेश्वर केमी रही जदि फुटपाथर भी शोए खाइबापन घर भड़ा तो छाड़ू आप चिंता करूँ 9,000 टाँह आजिका डेट्रे जी मूल लगुच पाऊँ कि जी जाऊल लगे 4 घंटा कम करुच्चे भुवनेश्वर से मुझे कहूँ 500 रु 700 टाँग जन राजमिस्त्री 1,000 टाँग तो कोई हिसाब से जड़े गोटे ग्राजुएट एत पाठ पढ़ी आउटसोर्सिंग हो कि जो मध्यम हो आपत तो आटलिस्ट 25-30,000 दरमा देवा कथा तो लाभ ना सरकार चाहते जिते बड़े बाहर वैकेंसी बाहर आपको अग्राधिकार भितर आप पारिथे से जो निजुक्ति प्रोसेस भितर आपको सामिल कर पारिथे सरकार चाहिए सब करें सरकार मानसिकतार अभाव रही आपण जो पिला रखिंट कमरे आपंकर कमर आवश्यकता पड़ी बोली तो रखिंट अच्छा आपड़ी प्रतिवाद करेंगे विक्षोभ करेंगे आपको हटाई देते पुणी नुआ पिला रखिए पुणी कौन हम एमती के नुआ पिला कौटू आणवे एमती के जो सब आउटसोर्सिंग एजेन्सी अच्छा यही मानक फायदापी ये सब धंदा खोलाई से मैने धमकौं रिन्यूआल होगा बेले पैसा दि जदि यही टेंडर कटिगला आर टेंडर नुआ है पिला रखिए पुराणा पिला पुणी पैसा मागुच्च ये गोटे भेड़ी चली भेड़ीर अंत घटा दरकार आ सरकार ए सचेतन होगा दरकार आप चूड़ा निष्पत्ति नहीं सारी राजरास्ता ओल्ल आंदोलन करेंगे आज्ञा देखूँ जिते बणकर पेट पोड़ सी कौन कर गुहारी करी गुहारी न शुणिले लेखिकी दब लेखिक नक देखा करते कि ना सी कौन कर बाध्य राजरास्ता को राजरास्ता जावाक आम कौन भल लगुच शेष प्रतिक्रिया नाक चाहिए प्रदीप बाबू देखा ये जो आंदोलन आप चल बर्तमान किसी बाहर भावुंत किसी निर्देश बाहर आपण दाबी शुणि सरकार नहीं देखो आम आम समस्या नहीं कि विभिन्न अधिकारी सहित आलोचना करूँ यही गला सोमवार दिन आम मुख्य शासन सचिव सहित आलोचना करूँ जहाँ जो जो अधिकारी सहित आलोचना करूँ विद्यालय गणशिक्षा विभाग सचिव सहित हो जे डिपार्टमेंट हो अर्थ विभाग हो समस्त सहित आम आलोचना करूँ समस्ते आमको गोटे प्रतिश्रुति देते जे उच्चस्तरीय गोटे कमिटी कर उच्चस्तरीय बैठक हम तापर आपर कि निजास हम आपर आम निष्पत्ति नबू जो मैंने 2004-2013 भर निजुक्ति पाई किंतु सरकार काली तरबरिया भाव में गोटे नोटिफिकेशन करदे जे डिपार्टमेंटर जे पूरा क्लीयर कट करदे हाँ। जे जो मैंने 2013 पर निजुक्ति पाई केवल से मानी रिपिल नियम व 2013 कंट्राक्चुअल नियम लागू किंतु जो मैंने पूर्व निजुक्ति पाई से लागू नुहे तेणु बाध्य आम एत आलोचना कलापद विफल हो सफलता पाई तेणु बाध्य आम आंदोलन आज मान्यवर गणशिक्षा मंत्री विद्यालय गणशिक्षा मंत्री हस्तक्षेप चाहूँ यदि विद्यालय गणशिक्षा मंत्री किसी हस्तक्षेप न करती आगामी दिन आम विधानसभा घेराव करूँ आउ आगामी दिन में जो आसुवा मैट्रिक परीक्षा समेटिव आसेसमेंट बोर्ड परीक्षा हो तार परीक्षा बर्जन करने आम संघ निष्पत्ति करछि तापर भी जी नाला तेल पुनर्बार पुणी आम सबू मंत्री बासभवन घर करूँ आउ आंदोलन को जोरदार करपाई सरकार ही दायी रे निश्चित भाव दर्शक बंधु आप शुणुते दुईट संघर प्रतिनिधि मैंने आम सहित मतलब जोड़ी होते से दाबी कथा कहते कि केवल ये दुईट संघ नुहति प्राय देखिए बर्तमान
100 रु अधिक संगठन वर्तमान पीएमजी छक आसी से धारणा प्रतिवाद विक्षोभ करके फेरिले मासक भितर विशेषकर आज 16 तारीख मु गत 16 तारीख में मुख्यमंत्री घोषणा करते मासक भितर अनेक संगठन से न्याय दाबी जोटा हक रही जोटा अधिकार रही सरकार पाखे से नहीं कि राजरास्ता को ओल्लाई वर्तमान परिस्थिति सरकार यह एक मुंडबिंधार कारण हो कहीं जो अड़ुआ परिस्थिति जो अड़ुआ व्यवस्था निजे सृष्टि करते से अड़ुआ जाल में वर्तमान सरकार छंदेवा जाऊँगी जो भाई ढांचा पूर्व निष्पत्ति ने 2013 पर चुक्तिभित्तिक निजुक्ति प्रथा को हटाइले से भाई ढांचा अन्य कथा गुरुत्व देवार आवश्यकता रही कहीं जो व्यवस्था निजे करते से व्यवस्था निजे किभली एक त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति नौकर प्रश्न उठी मंथन आज अध्याय को यही रखुचु पुणी देखा आसंता सप्ताह आउ एक नुआ प्रसंग को नहीं नमस्कार।